हे सो कैसे हो यार सभी लोग। सो न्यू इवेंट एक आया है अपना सोडा फेस्ट करके, जो कि 17 से 23 सितंबर तक है। एंड इवेंट थोड़ा सा ऐसे ही है, तो उसके ऊपर चल के रिव्यू देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एंड मैं अपना बताता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है इवेंट और क्या करना चाहिए। सो अभी हाल फिलहाल में ऐसे काफ़ी इवेंट्स आए हैं जो कि IGG मतलब काफ़ी मतलब बोलूँगा मैं। सो ये भी उनमें से एक है। तो ये 6-7 days का इवेंट है। हाँ ऐसे कुछ। सबसे पहले यहाँ पे एक सोडा की बोतल देखने को मिल रही है हमें, क्या बोलूँ मैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है। इवेंट जो है इसकी मेन चीज़ है कि इसमें 18 levels हैं। 18 levels से तुम रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस जो ग्लोबल रैंकिंग रहती है। अब ये हमेशा का रहता है जी का ऐसे इवेंट्स में कि ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ज़्यादा जिसकी रहेगी उनको भी प्राइज़ मिलेगा। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट प्लेस पे आने वाले के लिए 300 एम्बर चेस्ट, वाओ 600 चैम्प चेस्ट, और तमाम रिसोर्सेज लाइक फूड है, तमाम काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और 100 तक है, टॉप 31 से टॉप 100 तक, फिर टॉप 11 एंड 13 के बीच में उनको अलग मिलेगा, ये मिलेगा। पर तुम अभी से फिगर कर सकते हो, अभी 1 या 2 दिन ही हुए हैं और इन लोगों ने कितने पॉइंट्स बना लिए, मतलब सीरियसली। अब इसका पॉइंट वगैरह का सीन कैसे काम करता है उसके ऊपर बात करेंगे, पर चल के इसके ऊपर देख लेते हैं। इसका 18 level है, ठीक है। इसमें 18 level है सोडा की। अब ठीक है, पहली लेवल कुछ 500 की थी, दूसरी 1000 की, अब ये तीसरी लेवल 2500 की है। अभी तक मेरे स्कोर है सिर्फ 1113। अब काफ़ी लोगों ने तुम में से ये चेक कर लिया होगा, पर इसका सीन मेरे को समझ में नहीं आया। तो अब यहाँ पे एक बार है जिसमें से तुम सोडा ओपन कर सकते हो। अब सोडा मिलेगा कहाँ से ये तुम्हें सबसे पहली चीज़, इसका भी सिंपल है, कोई ज़्यादा वो है नहीं। यहाँ पे अब तुम एनर्जी स्पेंड करोगे, स्पीड अप यूज़ करोगे, होल स्टार यूज़ करोगे, एंड हाँ परचेज करोगे, तो तुम्हें ये जो भी हैं ये सोडा मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी मेरे 56 हैं। एंड चल के देखते हैं इसके पॉइंट का टेबल काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे पॉइंट्स हैं, 830 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे लेवल 2 का सोडा चल रहा है मेरा। तो नीचे यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हो, मैंने ओपन किया, यहाँ पे फिज मिले मेरे को, टोटल 70 मिले। अब यहाँ पे ये रैंडम लिया कि कितने यूज़ करने पर तुम्हें कितने फिज मिलेंगे सोडा के, इनके जो भी चीज़ है ये। यहाँ पे 130 मिले मेरे को, सो 1030 हो चुके हैं मेरे अभी तक। सो इसी तरीके से यूज़ होंगे, मैं काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ, 20-30 हज़ार यूज़ कर चुका हूँ, इतने ही मिले हैं। अब तुम बताना तुम्हें कितने मिले। अब ये इवेंट का सीन मेरे को ज़्यादा कुछ मतलब नहीं लगा जमाने की, इन दी एंड तुम्हें 185,000 पॉइंट्स करने हैं इसको पूरा वो करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है। बट सिर्फ लेवल 9 तक करने के लिए हो जाए तो भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है। लेवल 9 पे तुम माइग्रेशन स्कूल मिलेगा, ठीक चीज़ है, इतनी बुरी नहीं है वो, मेरे को सही लगा। पर 9 तक करने के लिए भी काफ़ी पॉइंट्स लगेंगे। अब जैसा भी है, इसकी पॉइंट टेबल ऐसी है, इसमें कर सकते हो तो मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं, पर जैसा भी। तो ये है कुछ मतलब इस तरीके से इसका पॉइंट का टेबल काम करता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो, अभी तक मेरे 2 ही लेवल अनलॉक हुए हैं। एंड एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, वो ये है कि देखो, पहले उसमें 4 घंटे का स्पीडअप मिल रहा है तुम्हें, दूसरे में तुम्हें, चलो 4 घंटे का स्पीडअप ठीक है लेवल के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पे नीचे देखो कि तुम 8 डेज़ का स्पीडअप मिल रहा है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड मुझे ये इवेंट में इतना वो कैसे लग रहे हैं मैं बताता हूँ क्यों लग रहा है। मैसेज बहुत आ रहे हैं, देखो ये चीज़ IGG को समझ में क्यों नहीं आती मुझे नहीं पता। देखो कोई भी लेवल का गिफ्ट से 2 मिलियन स्टोन कब से इतने मतलब वो हो गए, 2 मिलियन स्टोन रिसोर्सेस में, मेरे को कभी समझ में नहीं आया। क्योंकि देखो प्रोडक्शन के टाइम पे यार सभी को पता है कि रिसोर्सेज प्रोड्यूस करना कितना इजी पीजी है, पर हाँ ये तुम्हारे बैग में जाता है, आउटर में नहीं जाता, बैग में भी जाता है सभी बोल सकते हो, पर फिर भी सिर्फ 2 मिलियन स्टोन, सीरियसली ये मेरे को बहुत ही घटिया लगता है इसका मतलब रिवॉर्ड्स का, क्योंकि ये एक रिवॉर्ड है। अब ये चीज़ ना कहीं भी उठा लो, ये ना हमने काफ़ी इवेंट्स में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर रिवॉर्ड में रिसोर्सेस तुम्हें चेपा जाता है, जो बहुत ही बेकार लगता है। पर इसके आगे बात करते हैं।
हालांकि और कोई चीज़ खास नहीं है इसमें। देखो दो लेवल हैं, एक तुम्हें 20,000 में अनलॉक करनी पड़ेगी, इसको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, पर देखो इसको तब है ज़रूरत करने की अगर तुम करते हो, तुम 18 खोल लेते हो ओपन। अब देखो यहाँ पे रिवॉर्ड्स काफ़ी मतलब अच्छी नहीं है पर ठीक ठाक है, इवेंट है इसमें। अगर तुम इसकी 18 लेवल कर लेते हो जो कि कुछ होगी 185,000 पॉइंट्स करने के बाद में, ओ भाई तो ये कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है ना, 185,000 पॉइंट्स। अभी तक एक दिन में मेरे सिर्फ 1100 पॉइंट हुए, लाइक सीरियसली इसमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। अब जो स्पेंडर है, जो पैक्स बाय करते हैं उनके लिए इजी है क्योंकि पैक्स बाय करने से दिख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा वो मिलेंगे। देखो दिखाता हूँ मैं, 1000 एनर्जी का आइटम यूज़ करोगे 200 पॉइंट मिलेंगे, एक मिनट का रिड्यूस करोगे स्पीड अप में टाइम चाहे वो कैसी भी हो, ठीक है, मर्जिंग हो, हीलिंग हो, क्राफ्टिंग हो, ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें एक पॉइंट मिलेगा तुम्हें। अब इसमें 100 होली स्टार यूज़ करोगे एक मोस्टर को हिट करने के लिए 200 पॉइंट मिलेंगे, पर वहीं पे 200 और एक ये डिफरेंस देखना। अब तुम $1 स्पेंड करोगे तुम्हें 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। अब लोग पैक बाय करते ही हैं, लोग $1000 बाय मतलब के पैक बाय करते हैं, लाइक सीरियसली जो प्लेयर्स होते हैं हज़ारों डॉलर्स के पैक बाय करते हैं। काफ़ी लोगों के तो डेली के बने हुए हैं कि लाइक उन्हें $200 के या $300 के पैक बाय करने ही करने, क्योंकि लूनेट पैक आते हैं या फिर काफ़ी अलग पैक और आते हैं, हार्केटोम के पैक आते हैं जो कि हैं, काफ़ी चीज़ें रहती हैं इसमें भाई की ये पैसा कमाने की भाई आज ही की तमाम नई नई स्ट्रेटजीज हैं और कुछ नहीं है। अब अभी तक मेरे यहाँ पे जो है 20,000 स्पीड अप से पॉइंट हुए, 11,000 एनर्जी से हुए हैं, लाइक 30,000 मैंने यूज़ किए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा। अभी तक इसमें कुछ घंटा प्रोसेस प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, पर हालांकि इसमें देखो इन दी एंड हमें क्या मिलेगा, अगर इसमें जो बढ़िया चीज़ है मिलने वाली वो है माइग्रेशन स्क्रॉल। लाइक तुम्हें टोटल इन टोटल तुम्हें 4 माइग्रेशन स्क्रॉल मिल जाएंगे, 110 चैम्प चेस्ट मिल जाएंगे, लाइक 110 चैम्प चेस्ट ठीक है, पर मेन चीज़ है कि तुम्हें एक कन्फर्म एपिक क्रिम्सन मेन मिल जाए। क्रिम्सन मेन भी काफ़ी सही चीज़ है इसमें यार देखा जाए तो, एंड 8 days एंड 5 days का कितना हुआ ये स्पीड अप, लाइक 13 days का स्पीड अप, 13 days का स्पीड अप क्या मायने रखता है देखो इसमें, क्योंकि इसमें पॉइंट टेबल बहुत ही मेरे को हाई लग रहा है इसको करने के लिए, पर जैसा भी 500 अभी इसमें फीस भी पता नहीं लाइक अजीब ऊपर नीचे मिल रहे हैं जैसा भी, बाकी देखते हैं। सो तुम बताओ कि तुम्हें इवेंट कैसा लगा, लाइक कैसा है, इस तरीके के इवेंट लाइक आते रहते हैं एंड कोई ऐसा नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, बट जैसे कि तुम बताओ कि लाइक कैसा लगा इवेंट, इस तरीके के इवेंट आ रहे हैं, स्पेशल इवेंट है ये, स्पेशल इवेंट है भाई, नहीं ये नहीं है दूसरा, मेरे ख्याल से स्पेशल इवेंट जो था सीक्रेटली वो तो भाई फैंटम नाइट है भाई, देख रहे हो कितना सीक्रेट है, ये किसी को पता भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा स्पेशल है, स्पेशल और सीक्रेट है, स्पेशल है मतलब वाह। चलो भाई इसी वीडियो के साथ हम लोग गेम एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, और सेफ रहना, शील्ड मत भूल जाना अपनी, बस बाय। और जाने से पहले हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो जहाँ पे मैं लॉर्ड मोबाइल के मीम डालता रहता हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक सभी की तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो क्लिक करो, ज्वाइन करो एंड बाय।